बड़ी कंपनी 22,000 करोड़ का जहाज का पार्ट्स बनाने का ठेका अनिल धीरूभाई अंबानी को दे देती है, 22,000 करोड़ का ठेका उस कंपनी को दे देती है जो कंपनी 3 महीने पुरानी कंपनी है, तो क्या इस पे आवाज उठाना ये भ्रष्टाचार हो गया, ये लूटखोरी हो गई, ये कहीं ना कहीं कोई खेल हो गया, ऐसी आवाज उठाना कोई गलत है क्या? अरे हम लोगों ने रघु जी के नेतृत्व में राजनीति सीखी है, ऐसी 1,000 मानी हानि से हम लोग डरने वाले नहीं है, हम डरने वाले लोग नहीं है, हमने संघर्ष किया है, लाठियां भी खाएंगे, जेल भी जाएंगे, लेकिन आम आदमी की आवाज को उठाने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलने का काम करेंगे, भ्रष्टाचार के सवाल पर लड़ने का काम करेंगे। इन बंदर भुड़कियों से हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। आज पूरे देश की सरकार, पूरे देश की सत्ता चंद पूंजीपतियों के हिसाब से चल रही है, चंद पूंजीपति हिंदुस्तान को लूटने का काम कर रहे हैं, वो चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, हिंदुस्तान का किसान अगर 9,000 रुपए का कर्जा ले लेता है तो उसके घर तहसीलदार भी पहुंच जाता है, पुलिस वाला भी पहुंच जाता है, कालर पकड़ के उसको जीप में बिठा के हवालात में बंद कर दिया जाता है, उसकी जब समाज में बेइज्जती होती है, वो किसान अपमानित होता है तो आकर पेड़ पे लटक के अपनी जान दे देता है, लेकिन एक तरफ 9,000 रुपए का कर्जा लेकर मरने वाला किसान है तो दूसरी तरफ 9,000 करोड़ का कर्जा लेकर हिंदुस्तान से जहाज में बैठकर लंदन भाग जाने वाला विजय माल्या है। तय आपको करना है, इन सवालों पे हमें लड़ना है कि नहीं लड़ना है, इन सवालों पे हमको संघर्ष करना है कि नहीं करना है। 11,400 करोड़ रुपए की राशि लेकर नीरव मोदी भाग जाता है हिंदुस्तान छोड़कर, विदेशों की नागरिकता ले लेता है, और नीरव मोदी वहां जाकर विदेशों की नागरिकता लेने के बाद किसी सामान्य व्यक्ति के साथ नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ दावोस में बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवाता है। नीचे से निकल नहीं कर सकते, अगर आपके ऊपर 1,00,000 रुपए का भी कर्जा हो तो आप भागते भागते फिरते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 11,000 करोड़ रुपए लूटो, हिंदुस्तान छोड़ के भागो और हमारे साथ फोटो सेशन करवाओ, हमारे साथ फोटो खिंचवाओ, ये हमारे मोदी जी का नारा है। रोजगार देने की बात कही थी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही, किसानों को उनके फसल का 1.5 गुना दाम देने की बात कही, व्यापारियों को टैक्स में छूट देने की बात कही, हिंदुस्तान के आम आदमी के खाते में 15,00,000 पहुंचाने की बात कही, लेकिन आज क्या हो गया 4 साल के बाद अब कह रहे हैं अरे जो कहा उसको भूल जाओ, पकौड़े का ठेला लगा के अपनी जिंदगी चलाओ, पकौड़े का ठेला लगाओ, अगर काम नहीं मिले तो गोबर से अपना घर लीपते रहो दिन रात, काम की जरूरत नहीं है, काम की आवश्यकता नहीं है, ऐसी सरकार इस देश के अंदर चल रही है। गुंडी बहरी सरकारों से मुझसे 1,000 गुना ज्यादा अनुभव लड़ने का रघु जी का है, आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, जीती हैं, मुझे लगता है कि आज ज्यादा लंबी बात करने की जरूरत नहीं है, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अध्यक्ष जी से कि आप उस पूरे क्षेत्र के अंदर इस जो लड़ाई को बढ़ा रहे हैं उसमें जहां जहां भी मेरी आवश्यकता है कार्यकर्ता के तौर पे आप समझिएगा, आपकी एक आवाज पर मैं आपके साथ में खड़ा रहूंगा और उस पूरे क्षेत्र के अंदर एक बड़े एक विशाल आंदोलन की हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए, रैलियों की, सभाओं की, धरनों की, प्रदर्शन की, हड़तालों की, और जो बुंदेलखंड के बुनियादी सवाल है वो चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार से जुड़े हुए सवाल हो, वो चाहे शिवराज सिंह की सरकार से जुड़े हुए सवाल हो, वो चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार से जुड़े हुए सवाल हो, उन सवालों पर इन सरकारों को जनता की मांगों को मानने के लिए मजबूर करना है और उसको पूरा कराने का काम करना है। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब, 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 बुंदेलखंड सरदली नागरिक मोर्चा जिंदाबाद, बुंदेलखंड सरदली नागरिक मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद।